आप सभी लोग जानते होंगे कि आने वाला समय और आज का समय ये तकनीक का समय है। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का समय है, शिक्षा का समय है, देश दुनिया से जुड़ने का समय है। आप लोगों को तब पिछड़ा नहीं कहा जाएगा कि आप लोग गरीब हैं या आर्थिक स्थिति आपकी खराब है या फिर आप ऐसे समूह से या जाति से आ रहे हैं जो पिछड़ी जाति है। बिल्कुल नहीं, आने वाले समय में आपकी योग्यता, आपकी शिक्षा, आपकी तकनीक से जुड़ाव देखा जाएगा। अभी आप देखिए, कुछ समय पहले ही की बात बताता हूँ कि एक ट्रेन आई, कहीं मैं भी सफर कर रहा था, जा रहा था, तो वहां ट्रेन आई और उसमें आपने रुकी और जैसे ही लोग सभी रेलवे स्टेशन से उसमें भरने लगे, किसी ऐसे क्षेत्र से वो लोग थे जहां शिक्षा का अभाव है और उन्हें मतलब उसका नाम भी पढ़ना नहीं आया, समझ रहे हैं आप लोग। फिर किसी ने बोला कि वो एक आपकी ट्रेन नहीं है, तब वो उतरने लगे पूरे। तो यहां भी देख सकते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले की एक बात है कि किसी लड़के ने ऐसे ही बताया, हम लोगों ने भी बात की थी, आरटीआई, सूचना का अधिकार, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें हम लोगों ने विस्तार से बताया था कि किस तरह से आप सूचना मांग सकते हैं। तो कोई लड़का भी लिख रहा था कि मैं जिस सरपंच और जिस अधिकारी के पीछे मैं पहले भागता था और बार बार उससे विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर जो भी हो सकता था, वो मेरी बात नहीं सुनता था, आज वो लोग मेरे पीछे हाथ जोड़ के भाग रहे हैं। मतलब आप सोचिए, पढ़े लिखे होने का यही तो फायदा है आपका, कि आपका सरपंच है, आपका विधायक है या कोई भी है, वो जब से है उसके कामों की आप लोग डिटेल निकलवाइए ना, हर बार आप लोग लिखिए सूचना का अधिकार, और एक कॉपी में तो कहता हूँ सीएम को लिखिए अपने स्टेट की और दूसरी पीएम को लिख दीजिए आप लोग, और एक कॉपी आप लोग अपने पास रखिए कि अगर आप पर कोई दबाव डालता है तो आप थाने जा सकते हैं या रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। याद रखिए, रिपोर्ट लिखवाएंगे आप लोग तो वो कड़ी कार्रवाई होगी उस पर जो आपको धमका रहा है या आपको कुछ भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक इसे अपना सकते हैं आप लोग, आप भी जानते हैं कि ये समय पूरी तरह से तकनीक का समय, इसीलिए कहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, इतना तो कम से कम पढ़ा दीजिए कि वो अंधभक्ति में ना डूबे रहे, वो शिक्षा के नाम पर, तकनीक के नाम पर, देश के नाम पर जागरूक रहे कम से कम। अब देखिए, जागरूक रहते हैं जहां के लोग, वहां आप सोचिए कि चुनाव भी अच्छा होता है, वही देश तरक्की भी करता है, जो मानव संसाधन जिस देश में रहते हैं। दिल्ली का चुनाव आप लोगों ने देखा है, आपने देखा है कि काम के नाम पर वोट पड़ा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, और बिहार का चुनाव होने वाला है उसमें आप लोग देख लीजिए, पूरा एक मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत का बना दिया गया है, बेचारा मर चुका है, मतलब उसकी मौत पर भी वोट बैंक का काम किया जा रहा है। आप सोचिए, बिहार में आप शिक्षा की स्थिति देखते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति देखते हैं, गरीबी देखते हैं, महिलाओं की स्थिति देखते हैं, साक्षरता देखते हैं, बाढ़ में आप देख रहे हैं कि आधा बिहार लगभग डूबा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये इस तरह के मुद्दे कभी वोट बैंक के लिए नहीं बन रहे हैं। और आप सोचिए, जो मुद्दे अगर वोट बैंक के लिए नहीं बन रहे, जो मेन मुद्दे हैं, तो देश का क्या हाल होगा, उस राज्य का क्या हाल होगा, आप बेहतर समझते हैं। तो ये आर्टिकल आपका इसी के संदर्भ में लिखा गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है आखिर, पूरा आर्टिकल इसी से संबंधित है। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, आपके मेंस में भी आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आजकल क्वेश्चंस इसी तरह के पूछे जा रहे हैं। देखिए, समाज से जुड़े हुए, हम लोगों से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हैं। परमाणु अंतरिक्ष उड़ान की खोज के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग हाल के इतिहास में सबसे बड़ी सफलताओं में से एक हो सकती है, हालांकि इसके साथ कई नुकसान और जोखिम भी जुड़े हुए हैं। हालांकि प्रकृति चिकित्सा में एक शोध रिपोर्ट सार्स कोविड टू के जेनेटिक इंजीनियरिंग की संभावना का विरोध करती है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग अगली महामारी का कारण हो सकती है। कोविड-19 ने प्रदर्शित किया है कि परमाणु मिसाइलों के रूप में जैविक रोग जनकों को कैसे नष्ट किया जा सकता है, इसलिए जैव आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले वायरस विकसित करने के लिए विश्व को जेनेटिक इंजीनियरिंग की संभावनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से तकनीकी उन्नति भी इसके विरुद्ध एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान कर सकती है। इसके अलावा जैव विकास को विकसित करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास होने चाहिए। आप भी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरह कोई भी काम करते हैं आप लोग तो उसके दो परिणाम होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। तो तकनीक में भी आप देखते हैं कि नकारात्मक सकारात्मक, आप किस तरह से उपयोग करते हैं, आपके पास फोन है, अभी आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही है, आपने अपने बच्चे को मोबाइल लेके दे दिया है, अगर बच्चा मतलब समझदार है
और बच्चा अगर सही रास्ते पर चला तो आप सोचिए कि इसे मतलब आप खुद सोचिए कि तब मुझे लगता है कि इसका उपयोग कर पाएगा आपका बच्चा। और अगर वो भ्रमित हो गया, रास्ता भटक गया, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका प्रयोग उपयोग सही उपयोग कर पाएगा मोबाइल का। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही तो है कि मतलब आपको रास्ते चुनने, आपके पास सामने हजार तरह के रास्ते हैं, आपको सही रास्ता चुनना है। आपको भटकाने वाले भी हजार रास्ते हैं, लेकिन फिर भी आपको सही रास्ते का चयन करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आप ही सोचिए कि अभी कहा जा रहा है कि चाइना ने इस वायरस को उत्पन्न किया है, बनाया है और छोड़ दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाइना निकल चुका है और उसकी अर्थव्यवस्था प्लस में रही है, मतलब आप पॉजिटिव पॉइंट रही है। हमारी आप देख रहे हैं 23-24, -23-24 अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, विकास दर। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हाल है। ऐसा ही आप सोचिए कि कोई वायरस उत्पन्न करते हैं, कोई बनाते हैं और पूरी दुनिया में फैला देता है, तो आधे से अधिक या पूरी जनसंख्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आज परमाणु बम इतने बनाए जा चुके हैं कि आप सोचिए इस पृथ्वी को कई बार खत्म किया जा सकता है। हर देश आप देखते हैं परमाणु बम से लैस है, हथियारों से। समझ रहे हैं आप लोग? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से वैज्ञानिक अवांछनीय जीन को एक पौधे या जीव से दूसरे पौधे या किसी जीव या इसके विपरीत स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं। एक समझिए, एक बच्चा अगर मतलब आप सोचिए एक बच्चा जन्म लेता है, अगर पहले ही आप लोगों को मालूम चल जाता है कि बच्चे के बारे में कि इसके इसमें कोई कमी तो नहीं है, समझ रहे हैं? तो उसमें आप देखेंगे अगर कोई जीन अवांछनीय यानी कि खराब है तो उसे सुधारा भी जा सकता है। ऐसी तकनीक अगर आने वाले समय में वो आ चुकी है। एक पौधे से आप सोचिए कि दूसरे पौधे में या एक जीव से दूसरे जीव में जीन का स्थानांतरण किया जा सकता है। संक्षेप में जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक विशिष्ट जीन को चुना जा सकता है और प्राप्तकर्ता जीव में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया में गुणसूत्र के एक छेद को शामिल करना है जो शरीर की एक निश्चित विशेषता को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए एक एंटीवायरल प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए इस जीन को पुनः संयोजित किया जा सकता है। एंजाइम एंडो न्यूक्लियाइज का उपयोग डीएनए अनुक्रम को विभाजित करने के साथ साथ जीन को गुणसूत्र के बाकी हिस्सों में से विभाजित करने के लिए किया जा सकता है। इस जीन को हटा दिया जाता है और इसे एक जीवाणु कोशिका में रखा जा सकता है जहां इसे लाइगेज का उपयोग करके डीएनए श्रृंखला में सील किया जा सकता है। जब गुणसूत्र को एक बार फिर से सील कर दिया जाता है तो इस नए एंटीवायरल प्रोटीन को दोहराने के लिए जीवाणु कोशिका को प्रभावी रूप से पुनः संयोजित किया जा सकता है। एक समय आप सोचते थे कि हमारी जो उम्र होती थी यानी कि हमारी जीने की जो कैपेसिटी होती थी वो कम होती थी, आप समझते थे ना? आज देख रहे हैं आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तकनीक हो चुकी है, तो हम लोग बहुत आगे तक जीने लगे, मतलब हमारी उम्र बढ़ने लगी है। और ऐसा कहा जाता है कि अभी कल ही परसों कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था मैं कि इंसान 200 साल से 400 साल तक भी जी सकता है। इस तरह के आप सोचिए कि तकनीकी बनाई जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक तरह से नकारात्मक पॉइंट है। ठीक है, अपना जो प्रकृति ने दिया हुआ है उसे अपनाइए और निकल जाइए। आप सोचिए कि अगर 100, आप देखते हैं 80 से 100 साल में आप देखते हैं कि चलना फिरना बंद हो जाता है, फिर रखे रखे क्या मतलब रहेगा कि आप एक कुर्सी पर रखे हुए हो, कुछ आप काम नहीं हो रहा है, चल फिर भी नहीं रहे आप लोग, तो इसका मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब रहेगा। ये जो प्रकृति ने निर्धारित किया है यही मुझे लगता है कि बेटर है। ठीक है, और जो प्रकृति ने दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लाभ क्या हो सकते हैं इसके। तो अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने फसलों को वांछित गुणों के साथ फसलों को अधिक लाभदायक बनाया। अधिक वांछनीय लक्षणों वाले पौधे जैसे बीटी कॉटन के उदाहरण, जैसे सूखा प्रतिरोधी पौधे, रोग प्रतिरोधी फसलें, पौधे जो तेजी से बढ़ते हैं और अधिक पोषक तत्वों वाले पौधे। सीधा से कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए कि कहीं वर्षा नहीं होती है, आप ले लीजिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और बुंदेलखंड में अधिकतर यही है मामला कि वहां वर्षा नहीं होती है, तो इस तरह की फसल बनाई जाएगी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए कि वहां उसे बो दिया जाएगा, बीज लगा दिया जाएगा, बिना पानी के भी कम पानी के भी वो उत्पन्न हो मतलब उगेगी और फसल का उत्पादन होगा। समझ रहे हैं आप लोग? या फिर आप देखते हैं कि कई जगह रोग रहता है तो उसके रोग के प्रतिरोधी फसल बनाई जाएगी कि
कि वो रोग उस फसल पर कोई हावी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अनुवांशिक विकार और अन्य रोगों का उपचार। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से एक कार्यात्मक जीन के साथ दोषपूर्ण जीन को प्रतिस्थापित करके अनुवांशिक विकार भी तय किए जा सकते हैं। यह मलेरिया और डेंगू बुखार जैसे कुछ बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करेगा। चिकित्सीय क्लोनिंग, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्यारोपण के लिए जैविक अंगों को प्राप्त करने के लिए भ्रूण की कोशिकाओं को क्लोन किया जा सकता है। क्लोनिंग जानते हैं, डोली के बारे में सुना होगा, भेड़ क्लोन, पहली क्लोन, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूं। अब देखिए, आपने देख लिया पॉजिटिव पॉइंट देख लिए हैं, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की चुनौतियां भी देख लेते हैं, यानी कि समस्याएं क्या है आपके। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग कई मायनों में फायदेमंद है, लेकिन इसे अभी आप या फिर नुकसानदायक मानी जाने वाली कुछ घटनाओं में भी माना जा सकता है। एक बात और आपको बताऊं, आप देखते हैं कई बार देखते हैं कांग्रेस की तरफ से कई आर्टिकल लिखे जाते हैं, कई आप देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से कोई पॉलिटिशियन उसका आर्टिकल लिखता है, या किसी भी पार्टी से, तो याद रखिए वो अपनी पार्टी के बारे में हमेशा पॉजिटिव पॉइंट दिखाएगा, अन्य पार्टियों के बारे में नेगेटिव पॉइंट। तो आपको वहां से पॉजिटिव पॉइंट निकालना है और साथ में नेगेटिव पॉइंट भी निकालना है। और आपको देखिए, आप कहीं भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, फिर चाहे सिविल सर्विस हो या स्टेट पीसीएस हो कहीं भी, तो आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव उसके बाद एक निष्कर्ष अपना निकाल के रखना है। किसी के बारे में आपको पॉजिटिव पॉइंट नहीं लिख देना है, आप किसी के फायदे बता दीजिए और नुकसान मत बताइए, ये गलत है। ठीक है, तो आपको बेहतर समझना होगा और बेहतर आपको पॉइंट पकड़ना होगा। आज की मीडिया को आप देख रहे हैं कि इस तरह से खबरों को परोसा जा रहा है कि आप खुद नहीं, पढ़े लिखे लोग भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये गलत है या सही है। तो यही तो आपको पहचानना है कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी आप देखेंगे सरकार के पक्ष में जो मीडिया है वो इस तरह से तोड़ मरोड़ के बताएगी कि आपको सरकार की कोई खामियां नहीं नजर नहीं आएगी, और दूसरी मीडिया जो विपक्ष वाली है वो इस तरह बताएगी कि सरकार के किसी भी काम में आपको अच्छा ही दिखाई नहीं देगा। तो परस्पर संबंधित उस विज्ञान का मानना है कि अनुवांशिक रूप से संशोधित जीन का अध्ययन परिणामों के साथ आत्मनिर्भरता को प्रभावित करता है। जीएम हानिकारक और जीन एक प्रकार की दूसरे में स्थानांतरित होता है जो आनुवांशिक रूप से अगर हम जीएमओ फसलों से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दे की बात करें तो इसके अनजाने प्रभावों पर भी चिंताएं हैं, जैसे कि भोजन का निर्माण जो एलर्जी की प्रतिक्रिया का कारण भी बन सकता है। फिर आप करें जैव नैतिकता, तो कई नैतिक मुद्दों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की सीमाओं पर उठाए गए प्रमुख प्रश्नों में से एक यह भी है, क्या मनुष्य को प्रकृति के नियमों में हेरफेर करने का अधिकार है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आप देखते हैं कि हमारे बाल सफेद हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कलर करवा लेते हैं उस पर। तो मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, अपना अपना देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है, प्रकृति ने जो दिया है उसे अपनाइए, उसमें हेर फेर मत कीजिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही बात है कि मतलब आप सोचिए कि अगर भगवान ने, एक तरह से आप मानते हैं भगवान ऊपर वाला जिसने जो भी नियम निर्धारित किए हैं उनमें हेर फेर करने की भी बात की जाती है, ये भी एक तरह से एक नुकसान या समस्या है इसमें। अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ जुड़े खतरों की बात करें तो यह दिखाया गया है कि जीएमओ फसल के पौधे लाभकारी जीन को जंगली आबादी के साथ साझा कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में जैव विविधता को भी प्रभावित कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास, क्रिस्पर जीन एडिटिंग का विषय कुछ वर्ष पहले हुआ था जो प्राकृतिक तंत्र को प्रभावित करता है और यह जीवाणु एक जीनोम से अनुवांशिक जानकारी के टुकड़ों को काटकर दूसरे से संबद्ध करता है। क्रिस्पर एकमात्र अनुवांशिक तकनीकी नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता है। एक व्यापक क्षेत्र सिंथेटिक बायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए उपकरण व्यापक रूप से उपलब्ध भी है। अगर हम जैव प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण, चूंकि क्रिस्पर सस्ता और उपयोग में आसान है इसलिए विश्व भर हजारों वैज्ञानिक क्रिस्पर आधारित जीन संपादन परियोजनाओं के साथ प्रयोग कर रहे हैं।
जिनमें से बहुत कम स्रोत को नियमों द्वारा सीमित किया गया है। इसके अलावा खतरा न केवल सरकारों से है बल्कि गैर राज्य अभिनेताओं, अनैतिक वैज्ञानिकों और जैव हैकर्स के पास समान उपकरण तक पहुंच से भी है। साथ ही शोधकर्ताओं ने यह भी प्रदर्शित किया है कि विचेचक जैसे घातक वायरस को फिर से बना सकते हैं, जिसे मिटाने में मानवता को दशकों लग गए। तो ये भी एक तरह से इसमें प्रॉब्लम है। आगे की राय बात करें अगर हम लोग, जैसा कि इन प्रौद्योगिकियों के वैश्वीकरण वैश्विक प्रसार को रोकने के लिए बहुत देरी हो चुकी है, अब एकमात्र उपाय इन प्रौद्योगिकियों के अच्छे पक्ष में तेजी लाना और बचाव करना है। इस संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा का उपयोग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते हैं ना, उसी की बात, और जीनोमिक डेटा के साथ वैज्ञानिक डीएनए और जैविक प्रक्रियाओं के बीच के जटिल संबंधों को समझेंगे और बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। 3D पेंटिंग की तैनाती, 3D पेंटिंग हमारे डीएनए के अनुरूप होम मेडिसिन, टिश्यू और बैक्टीरिया को विकसित करने में मदद कर सकती है और हमें स्वस्थ रख सकती है। जेनोमिक डेटा का जमाव, मानव और अन्य प्रजातियों के जेनोमिक ब्लूप्रिंट विकसित करने की आवश्यकता है। यह जानकारी COVID-19 जैसी महामारी से बचाव और टीके विकसित करने में काफी मदद कर सकती है। आगे की राय की अगर बात करें तो जीनोमिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, सेंसर, 3D पेंटिंग और AI जैसी तकनीकों का विश्लेषण भारत द्वारा डेटा का विश्लेषण करने और उपचार विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से भारत जेनेटिक इंजीनियरिंग में अनुसंधान और नवाचार में विश्व का नेतृत्व कर सकता है और $1 ट्रिलियन की चिकित्सा उद्योग को नींव भी रख सकता है। तो चलिए, ये थी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की कहानी, ठीक है। इसके सभी पक्षों को याद रखिए और इसमें जो मेन पॉइंट है आपको वो एक पेज पर आप लोग सजो के रख लीजिए। जब भी आंसर लिखने के लिए आता है आप लोग लिख दीजिए, ठीक है।